हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको वैदिक मैथमेटिक्स का मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू। तो ये ट्रिक भी होती है मल्टीप्लाई, फास्ट मल्टीप्लाई करने की। तो देखिएगा, हम शुरू करते हैं। अगर किसी भी नंबर में 99 ऐसे लिखा हो, उसका किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हमें करना हो। जैसे अगर मुझे 43 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 43 से, तो मैं क्या करूंगा? तो मल्टीप्लाई करने का एक लाइन में सिंपल तरीका है, जो भी नंबर नीचे लिखा रहता है जिससे मैं मल्टीप्लाई, उसमें से 1 माइनस कर दूं, तो क्या हो जाएगा आपका 42। क्या हो जाएगा? 42। और इसके बाद क्या करना है, जो नंबर लिखा रहता है उसको अपन यहां से माइनस करते हैं। तो 9 में से माइनस करेंगे 4, कितना होगा 5। और आखिरी वाला जो नंबर होता है उसमें ये करना होता है कि जो 1 आपने माइनस किया उसमें प्लस कर दो। 9 प्लस 1 कितना होगा 10। तो 10 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा 7। जो आपका आंसर आ गया 4257। समझ में आया? एक और मैं ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मुझे मल्टीप्लाई करना हो 99 × 67 की, तो कैसे करूंगा मैं? तो वही सिंपल, इसमें से 1 माइनस करूंगा तो हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। और इसके बाद इसको 9 में से माइनस करने से इसको कितना बचेगा 3। और इसको किस में से माइनस करना, आखिरी नंबर को 10 में से, तो 10 में 7 जाए कितना बचेगा आपका 3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये बात थी आपके 2 डिजिट की। अब हम आते हैं 3 डिजिट पे। सपोज कि हमें 3 डिजिट में इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 999 × 247। इसका मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो 246 हो जाएगा। बिल्कुल। अब क्या करते हैं, जैसे 9 में से माइनस करते हैं तो 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, और जो आखिरी नंबर उसको 10 में से माइनस करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3। ये आपका आंसर आ गया। है सिंपल, कैलकुलेशन से भी, कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसमें। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। हमें 99 का मल्टीप्लाई 876 से करना है, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल ट्रिक है, वही इसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो 875। और इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, इसके बाद आपको करना रहेगा 9 में से माइनस, 9 में से 8 जाए कितना बचेगा 1, 9 में 7 जाए कितना बचेगा 2, और लास्ट वाले नंबर को इससे माइनस करते हैं 10 से, तो 10 में 6 जाए कितना बचेगा 4। ये आपका आंसर आ गया 875124। आया आपको समझ में? अब हम आते हैं कैसे आप 2 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कितना भी नंबर नंबर क्यों ना हो आप उससे कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लेके बता दूं, ये नंबर है, इससे आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है कैलकुलेटर में इसका आंसर ही ना आ पाए, लेकिन आप यहाँ यू कर देंगे। करना क्या है, माइनस करना है, 1 में से माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 468725। फिर क्या करते हैं, सभी को 9 में से माइनस, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में 6 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 5, और जो आखिरी नंबर वो कितने में से जाएगा 10 में से जाएगा, तो 10 में जाए कितना बचेगा आपका 4। ये आपका आंसर आ गया 4687255315254। तो इतना लंबा आपने मात्र यूं चुटकियों में कर दिया। तो इसी के साथ ये आपका एक जो एक सिंपल वैदिक मैथमेटिक्स की जो ट्रिक का जो वीडियो था, मैं इसको यहीं समाप्त करना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आए, तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में आपको और बताने वाला हूँ ऐसी ट्रिक। तो मेरे साथ बने रहिए। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, और मुझे आप YouTube के साथ साथ आप मुझे Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे Instagram पर डायरेक्ट DM करें कि भैया मेरे को ये दिक्कत है, ये परेशानी है मैथ्स में, स्पोकन इंग्लिश में, तो मैं आपको वहां पर उसका आंसर दूंगा। या फिर आप मुझे TikTok पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।